जी क्लास, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आवाज अगर आ रही है तो काइंडली मुझे कंफर्म कर दें। हेलो, यस मैम। अच्छा जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? ईद अच्छे से गुजर गई होगी इंशाल्लाह, होपफुली। अच्छा तो बेटा, जो हम पढ़ रहे थे वो कोई भूल भुला तो नहीं गए हो? वो कुछ याद है? एक हफ्ते का गैप आ गया दरम्यान में। मैम थोड़ा सा किया था स्टडी। थोड़ा सा किया था? चलें, अच्छी बात है। मैम आपसे पूछना था, हमारे क्विज कब होगा और उसमें कितने लेक्चर्स होंगे? हाँ, ये बात हम करेंगे क्लास के एंड पे, ताकि उस टाइम मेजोरिटी क्लास जो है वो ऑनलाइन हो, तो ताकि सबको जो है वो पता चल जाए, कोई किसी का मिस ना हो। ये मुझे आपने याद कराना है, बस रिमाइंड करा दीजिएगा। लेक्चर एंड होगा तो हमने इस चीज़ को डिस्कस करना है। आपका कोई जो असेसमेंट प्लान था उसको हम डिस्कस करेंगे। ओके मैम। चलें, लेक्चर शुरू करते हैं। बेसिकली हम लास्ट टाइम जो पढ़ रहे थे ना, या अभी तक जो चीज़ें हमने पढ़ी हैं, स्पाइन हमने स्टार्ट की हुई थी, और स्पाइन में हमने उसका जनरल स्ट्रक्चर देख लिया, हमने मसल्स का कंट्रोल देख लिया, हमने इंड्योरेंस के बारे में बात कर ली, हमने कोर मसल्स और जो ग्लोबल मसल्स हैं उनके बारे में बात कर ली थी। जो वेरी लास्ट हमारा लेक्चर था उसमें बेसिकली हमने बात की थी पेन की, पेन के इफेक्ट्स की बात की थी, पेन के फैक्टर्स की बात की थी, और उसके साथ हमने जो है वो कुछ फॉल्टी पोस्चर्स जो है उसको डिस्कस किया था, कि कौन से मसल्स में क्या इम्बैलेंस आता है, वीकनेस आती है या टाइटनेस आती है, ये चीज़ें देखी थी। और जनरल जो है ना वो हमने गाइडलाइन डिस्कस की थी कि अगर ये फॉल्टी पोस्चर यानी मैल अलाइनमेंट का पेशेंट आपके पास अगर आ जाता है तो आपने उसको हैंडल कैसे करना है, आपने उसको ट्रीट कैसे करना है। तो उसकी जो जनरल गाइडलाइंस थी वो हमने देखी थी, जो बेसिक उसके अंदर एक चीज़ थी जिसका फोकस ज़रूरी था वो ये था कि पेशेंट की आपने अवेयरनेस डेवलप करानी है कि उसका प्रॉब्लम पहले क्या है। पहले तो उसको ये बताओ, उसकी अवेयरनेस हो उसका प्रॉब्लम है क्या, उसको पता हो कि उसका प्रॉब्लम ठीक होगा तो क्या होगा, और फिर उसको ये पता हो कि उसको ठीक करना कैसे है, यानी अगर प्रॉब्लम ठीक हो रहा है तो कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, ये चीज़ें बेसिक बेसिक जो है ना इसमें पोस्चर की जो आपकी मैनेजमेंट है उसमें बेसिक चीज़ ही आपकी क्या है, अवेयरनेस है, जो कि आपने पेशेंट को देनी होती है। देन हमने जनरल उसकी जो है वो गाइडलाइंस पढ़ी थी रिलेटेड, कि आपने रिलैक्सेशन किस तरह से लेके आनी है पेशेंट के अंदर, जो मसल्स टेंस हुए हुए हैं, जो मसल्स किस मूड स्विंग्स की वजह से या वैसे फॉल्टी पोस्चर की वजह से जो टेंस हैं, जो मसल के अंदर इटसेल्फ जो ज़्यादा टेंशन बिल्डअप हुई हुई है उसको आपने कैसे रिलैक्स करना है, कैसे स्ट्रेस आउट करना है उसको। तो ये कुछ हमने चीज़ें जो है वो वेरी लास्ट लेक्चर जो था हमारा उसमें हमने कवर की थी, और उसके बाद फिर हमारे जो है वो एक हफ्ते की छुट्टियाँ आ गई हैं। फिर आगे लेट्स को कंटिन्यू करते हैं। आगे जो हमने आज चीज़ पढ़नी है वो बेसिकली हमने जो ये चीज़ें हमने वैसे पहले भी पढ़ी हैं, हम इसको सिर्फ रिवाइज करने वाले हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल कॉम्पोनेंट्स ऑफ स्पाइन, मोशंस ऑफ स्पाइनल कॉलम जो ROM है, जनरल मोशंस हैं, IVD इंटरवर्टिब्रल डिस्क के बारे में, ये तीन चीज़ें जो है ना ये बेसिक कॉन्सेप्ट हमारे पास हैं, हम इनको गो थ्रू करते हैं एक दफ़ा, जस्ट रिवाइज हो जाएंगी। असल चीज़ें जो आज हमारा टॉपिक होगा वो होगा स्पाइनल पैथोलॉजीज का एंड इम्पेयर्ड स्पाइनल फंक्शन, के स्पाइन की पैथोलॉजीज क्या है और उसका फिर उनके जो स्पाइन का फंक्शन है उसके ऊपर क्या इफेक्ट आता है, किस तरह से फंक्शन इम्पेयर करता है। बिस्मिल्लाह करते हैं जी। चलें, सबसे
पहली बात तो ये कि जो हमारा फंक्शनल कंपोनेंट है स्पाइन का, वो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि दो पार्ट्स में हम उसको डिवाइड कर लेते हैं, इंटीरियर पिलर में और पोस्टीरियर पिलर में हम उसको डिवाइड करते हैं। इंटीरियर में हमारे पास वर्टिब्रल बॉडीज हैं और इंटरवर्टिब्रल डिस्क है, और इसका जो बेसिक काम है वो आपकी शॉक एब्जॉर्प्शन का काम है, वेट बेयरिंग का काम है, और वेट की डिस्ट्रीब्यूशन है, सरफेस एरिया को बढ़ाना है और इवन डिस्ट्रीब्यूशन करने है वेट की, जो बेसिक इसके पास। फिर हमारे पास जो पोस्टीरियर पिलर आ जाता है उसमें हमारे पास आपको पता है कि पोस्टीरियर साइड पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो न्यूरल आर्ट्स से शुरू हो जाएँ, आप पेडिकल्स हैं, लेमिनाज हैं, आपके फिसिट्स हैं, और फिर आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस हैं दो, स्पाइनस प्रोसेस है एक, तो ये सारी चीज़ें आपकी जो है वो पोस्टीरियर पिलर के अंदर आ जाती है, ठीक है। और जो पोस्टीरियर पिलर है ना, बेसिकली वो आपकी मोबिलिटी आपको प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जॉइंट्स और यहाँ पे ही मूवमेंट होनी है, तो बेसिक जो मूवमेंट है वो आपकी पोस्टीरियर पिलर के अंदर आती है। और ये याद रखिएगा कि जहाँ पे मूवमेंट होगी वहाँ पे उसको स्टेबल करने की भी ज़रूरत पड़ेगी। अगर एक चीज़ मोबाइल ही नहीं है, अगर उसमें मोबिलिटी है ही नहीं, तो उसको स्टेबल करने की क्या ज़रूरत है, ठीक है, वो तो ऑटोमेटिकली स्टेबल है नेचुरली। तो जहाँ पे मूवमेंट है वहीं पे स्टेबिलिटी की ज़रूरत है, तो वहीं पे फिर आपको वो स्ट्रक्चर्स मिलेंगे जो बेसिकली आपको स्टेबिलिटी देने वाले हैं, लाइक मसल्स हैं, आपके टेंडन हैं, आपके लिगामेंट्स हैं, कैप्सूल है, ये सारी चीज़ें आपकी कहाँ आ जाती हैं, पोस्टीरियर पिलर के अंदर प्रेजेंट है। जो स्पाइनल सेगमेंट है जिसकी हमने बात की थी कि जो एक फंक्शनल यूनिट है स्पाइन का, दैट इज़ जिसको हम मोशन सेगमेंट कहते हैं, वो दो वर्टिब्रा हैं, उनके दरमियान में एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क और आसपास का जितना स्ट्रक्चर बनता है, जितने भी आपके जॉइंट्स आ जाते हैं, जितने भी आपके सॉफ्ट टिश्यूज आ जाते हैं, लिगामेंट्स, टेंडन्स, मसल्स, कैप्सूल, ब्लड वेसल्स, नर्व्स, उस पर्टिकुलर एरिया के अंदर दो वर्टिब्राज एक इंटरवर्टिब्रल डिस्क के दरमियान में, उसको हम कहते हैं कि ये मोशन सेगमेंट है, ठीक है। मोशंस की हमने बात की थी, पहले भी हमने ये चीज़ डिस्कस की है कि फ्लेक्शन एक्सटेंशन होती है। यहाँ पे ये चीज़ याद रखिएगा कि जो स्पाइन की फ्लेक्शन और एक्सटेंशन है वो उसी तरह से सेजिटल प्लेन के अंदर आ जाती है। साइड बेंडिंग यहाँ पे ये है आपकी लैटरल बेंडिंग या लैटरल फ्लेक्शन जिसको हम बोलते हैं, वो आपकी आ जाएगी फ्रंटल प्लेन के अंदर। रोटेशन आपकी ट्रांसवर्स प्लेन के अंदर है। इंटीरियर पोस्टीरियर शेयर फोर्सेज हैं, शेयर होते हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में लगने वाली मूवमेंट। अब अगर दो वर्टिब्राज की हम बात करें ना, एक वर्टिब्रा अगर इंटीरियर मूव कर रहा है और एक वर्टिब्रा पोस्टीरियर जा रहा है, तो ये शियर है ऑपोजिट डायरेक्शन के अंदर, तो इसमें वर्टिब्रल जो डिस्क है उसके ऊपर स्ट्रेच प्रोड्यूस होता है एंटीरियर और पोस्टीरियर डायरेक्शन। लैटरल शियर ये है कि अगर आपका एक वर्टिब्रा राइट साइड पे और दूसरा वर्टिब्रा जो आपका लेफ्ट साइड पे मूव कर रहा है, तो वो आपका लैटरल शियर है। कंप्रेशन है, दो वर्टिब्रा प्रेस हो रहे हैं, उनके दरमियान स्पेस कम हो रही है, और डिस्ट्रैक्शन है कि दो वर्टिब्रा फुल अपार्ट हो रहे हैं, उनके दरमियान में स्पेस क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। तो ये आपकी जो है वो पिक्चर के साथ जो है वो रिप्रेजेंटेशन है इन सिक्स मूवमेंट्स की, जिनकी हम पहले भी पिछले लेक्चर्स के अंदर जो है वो चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं। होपफुली ये चीज़ें आपको याद होंगी। इंटरवर्टिब्रल डिस्क की अगर हम बात करें, तो बेसिकली इसके जो पार्ट्स हैं वो एक एंड प्लेट है, एपोफिजियल रिंग होती है इसके अंदर, जो आपकी ग्रोथ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, और जो एंड प्लेट है वो आपकी उसमें एक कॉटिलेजनस लेयर है, जो कि कॉटिलेज जो कि हर जॉइंट में होती है आपको पता है, और एक आपकी बोनी लेयर है जो कॉटिलेज बोन के साथ जो है वो अटैच होगी और वो आपकी डिस्क को वर्टिब्रा के साथ अटैच करेगी। और इसके जो स्ट्रक्चर्स में आ जाती है डिस्क इट्सेल्फ जो है वो आपकी क्या है, एनुलस फाइब्रोसिस है, जो उसके बाहर आउटर रिंग्स हैं, न्यूक्लियस प्रोफोसिस है, सेंट्रल पार्ट है जो कि जेल लाइक है, बलून लाइक है मटीरियल, और जो बेसिक आपकी जो शॉक एब्जॉर्प्शन है वो आपका न्यूक्लियस आपको प्रोवाइड कर रहा है, और कॉटिलेजनस एंड प्लेट है जिसके अभी हमने पीछे बात की है कि उसमें दो चीज़ें आ जाती हैं। देन आपके पास इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास हैं, आपको पता है कि जो आपकी नर्व्स हैं जहाँ से स्पाइनल कॉर्ड से इमर्ज होनी है और फिर आपकी बाकी पेरिफेरल नर्व्स बननी है, वो आपके इंटरवर्टिब्रल फोरामिनास से निकलनी है, ठीक है, पोस्टीरियर साइड पे ये प्रेजेंट है। और इसके जो कॉन्टेंट्स हैं आपको पता है कि नर्व जो है, जो नर्व रूट है बेसिकली वो मिक्स्ड होती है, उसके अंदर स्पाइनल, उसके अंदर सॉरी सेंसरी पार्ट भी इन्वॉल्व होता है, उसमें मोटर पार्ट भी होता है, और उसमें इवन आपका जो ANS का पार्ट है, सिंपैथेटिक जो नर्व्स हैं वो भी उसमें प्रेजेंट होती है। तो ये आपका जो है वो मिक्स्ड इसका नर्व होती हैं, साथ में आती यहाँ पे ब्लड वेसल्स भी जो है ना वो प्रेजेंट होंगी। तो ये सारे कॉन्टेंट्स हैं आपके स्पाइनल फोरामिनास से जो कि यहाँ से इमर्ज आउट हो रहे होंगे, ठीक है। ये जो पिक्चर है इसमें आपको बेसिकली ये फोरामिना दिखाया हुआ है, ये एक फोरामिना है, ठीक है। इसके तीन पार्ट्स हैं, एक तो बिल्कुल सेंट्रल है
न्यूट्रल बिल्कुल सेंटर पार्ट है इसका, एक आपको मिलेगा इंफीरियर वर्टिब्रल नॉच है, जो कि दो वर्टिब्राज में से जो ऊपर वाला वर्टिब्रा है वो आपका इंफीरियर नॉच बनाएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे फेसेट जॉइंट की बात होती है, और जो लोअर वर्टिब्रा है वो आपकी सुपीरियर वर्टिब्रल नॉच बनाएगी। और ये कंप्लीट अगर आप इसको ये देखें तो ये जो एक राउंड नॉच सा फोरामेन बनता है, ये एक कंप्लीट फोरामेन बनेगा जिसमें से उस पर्टिकुलर सेगमेंट की क्या है नर्व्स निकलेंगे। ठीक है जी, अब बेसिक चीज़ जो यहाँ से शुरू होती है, जो पढ़ने वाली हमारी नई चीज़ें हैं वो हैं हमारी पैथोलॉजी, खास तौर पर इंटरवर्टिब्रल डिस्क की, कि उसमें कौन कौन सी पैथोलॉजी आती है। सबसे पहले तो कोई इंजरी, जनरल इंजरी हो सकती है, कोई ट्रॉमा वगैरह हो सकता है, डीजनरेशन ऑफ डिस्क हो सकती है जो कि विद एज है, या अगर एज को अगर हम ना भी देखें तो रेपिटेटिव लोडिंग है और एक्सेसिव लोडिंग है, तो वो भी आपको जो है वो डीजनरेट कर सकती है, जल्दी डीजनरेट कर सकती है, लाइफ स्टाइल मैटर करता है। देन हमारे पास आ जाती हैं कुछ ये टर्म्स आगे जो लिखी हुई हैं, हर्निएशन, प्रोट्रूजन, प्रोलैप्स, एक्सट्रूजन, फ्री सीक्वेस्ट्रेशन, ये क्या चीज़ है। ये जो पांच की पांच टर्म्स है ना, इन सब के लिए जनरली हम एक टर्म यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड हर्निएशन या डिस्क स्लिप। ठीक है कि डिस्क जो है वो स्लिप हो गया, डिस्क बल्ज भी हम बोलते हैं उसके लिए एक वर्ड, ये जनरल टर्म है। हर्निएशन जो है ना, ये एक जनरल टर्म है जो कि हम हर उस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं कि डिस्क की इंटीग्रेशन या डिस्क की जो इंटेग्रिटी है वो किसी तरह से चेंज हुई है, जो उसका एक स्ट्रक्चर है, बाहर फाइबर्स हैं और अंदर जो है वो न्यूक्लियस है, अगर इसमें किसी किस्म का चेंज आया है किसी इंजरी की वजह से, किसी भी वजह से, तो न्यूक्लियस अपनी जगह से अगर हिल गया है उसको हम कह देते हैं कि ये हर्निएशन। लेकिन ये जनरल टर्म है, इसको हम डिफरेंट इसकी स्टेजेस हैं कि भाई न्यूक्लियस अगर अपनी जगह से चेंज हुई है उसकी पोजीशन, तो कहाँ गया है, किस लेवल के ऊपर चला गया है, वो डिफरेंट स्टेजेस हैं, और वो उन स्टेजेस के नाम जो है ना वो ये आगे लिखे हैं। ठीक है, इनकी वन बाय वन हम डेफिनेशन देख रहे थे। तो हर्निएशन तो है जनरल टर्म, प्रोट्रूजन है, और अच्छा ये बात याद रखिएगा कि डिफरेंट जगहों पे आपको ये वाली जो टर्म्स है ना ये इंटरलिंक्ड मिलेंगी। ठीक है, आपस में ये मिलती जुलती टर्म्स हैं, किसी बुक में आपको कुछ तरह से इसका सीक्वेंस मिलेगा, कोई टर्म आपको, कोई बुक आपको कोई टर्म इसमें से एक्सक्लूड कर सकती है, किसी को कोई नाम दे सकती है, तो बहरहाल ये मिलती जुलती इंटरलिंक सी चीज है। बहरहाल प्रोट्रूजन हम उस वक्त कहते हैं कि जो हमारा न्यूक्लियस है वो होता तो डिस्क के अंदर ही है, लेकिन वो अपनी सेंट्रल पोजीशन लूज कर देता है, और इस तरह से लूज करता है कि जो सेंट्रल आपके फाइबर्स हैं ना वो उसको होल्ड नहीं कर पाते, लेकिन जो आउटर लेयर्स हैं एनुलस की वो स्टिल इंटैक्ट होती हैं, और आपका न्यूक्लियस जो है ना वो उसके अंदर कन्फाइंड ही होता है, और जो सपोर्टिंग लिगामेंट स्ट्रक्चर्स हैं वो भी उसको जो है वो अंदर ही कन्फाइन कर रहे होते हैं, वो बाहर नहीं निकलने देते। ये पहली स्टेज है, दैट इज कॉल्ड प्रोट्रूजन। प्रोलैप्स किसको कहते हैं, जब आपका फ्रैंक रप्चर यानी कि जो एनुलस है उसके अंदर रप्चर आ जाए, ठीक है, और आपका जो न्यूक्लियस है वो एनुलस की बाउंड्री से बाहर निकल जाए। वर्टिब्रल के अच्छा जी, अगर आपका जो न्यूक्लियस है वो वर्टिब्रल कैनाल के अंदर आ रहा है प्रोट्रूड होके, तो उसको हम कहेंगे प्रोलैप्स। नेक्स्ट स्टेज इज एक्सट्रूजन। एक्सट्रूजन हम कहते हैं कि अगर आपका जो न्यूक्लियर मटेरियल है वो इतना ज्यादा एक्सटेंड कर जाए कि वो आपके जो पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडनल लिगामेंट है उसके अबव और बिलो जो है वो स्पेसिस के अंदर आ जाए, मतलब लिगामेंट की बाउंड्री तक पहुंच जाए, उसको हम कहते हैं एक्सट्रूजन। एमआरआई पे जो है ना ये स्टेज डिटेक्टेबल होती है एक्सट्रूजन। लास्ट हमारे पास स्टेज होती है फ्री सीक्वेस्ट्रेशन। ये क्या है कि जो एक्सट्रूडेड न्यूक्लियस है हैज सेपरेटेड फ्रॉम द डिस्क एंड मूव्ड अवे फ्रॉम द प्रोलैप्स एरिया, कि वो कम्प्लीटली डिस्क से जो है ना वो अलहदा हो गया है और वो बिल्कुल अलग होके जो है वो कहीं निकल गया। ठीक है, जो आसपास का एरिया है उसमें निकल गया है, डिस्क का उसके साथ कोई ताल्लुक नहीं रह गया, दैट इज फ्री सीक्वेस्ट्रेशन।
अब ये जो डायग्राम आपको दिखाई दी है ना, इसमें आपको चार स्टेजेस तो यहाँ पे दिखाई नहीं है, पर यहाँ पे नाम थोड़े से जो है ना वो आपको डिफरेंट लगेंगे। कि ये आपकी अगर बुक की डेफिनेशन से अगर हम बात करें ना, तो ये जो आपकी ये स्टेज है जिसमें आखिरी लेयर्स तक जो है वो कन्फाइन है, ये आपकी बेसिकली क्या है, प्रोट्रूजन है। ठीक है, इसको हम प्रोलैप्स कहते हैं और इसको हम एक्सट्रूजन कहते हैं। और अगर सीक्वेस्ट्रेशन है, अगर ये जो आपका न्यूक्लियस है ना, ये बिल्कुल ही डिस्क से अलग हो जाए, उसके साथ उसका कोई लिंक ही ना रहे, तो आपको डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट स्टेजेस और डिफरेंट नाम जो है वो मिल सकते हैं, लेकिन ये इंटरलिंक्ड से ही चीजें। ओवरऑल हम इन सारी की सारी स्टेजेस को एक नाम दे देते हैं आसानी के लिए, दैट इज डिस्क हर्निएशन या डिस्क स्लिप या डिस्क बल्ज। ठीक है, ओवरऑल हम उसको जनरल एक टर्म दे देते हैं इन सारी स्टेजेस को इकट्ठा बताने के लिए। बट आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए कि इसकी कितनी स्टेजेस हैं, कब किस स्टेज पे जाके हम क्या कहेंगे कि न्यूक्लियस किस स्टेज पे है, तो उसका नाम फिर क्या होगा। अच्छा, अब यहाँ पे ये जो हर्निएशन है ये क्यों होती है, या तो ये फटीग ब्रेकडाउन की वजह से हो सकती है या ये ट्रॉमेटिक रप्चर की वजह से हो सकती है। दो चीजें हैं यहाँ पे जो जनरल हम टर्म यूज करते हैं, एक होती है हमारे पास एक्यूट ट्रॉमा होता है और एक हमारे पास रेपिटेटिव ट्रॉमा होता है। रेपिटेटिव ट्रॉमा वाला क्या होता है कि आपको कोई लोड अप्लाई हो रहा है आपके ऊपर, और वो लोड जो है ना वो आपको कोई बहुत ज्यादा नुकसान नहीं दे रहा, लेकिन वो छोटा सा आपको क्या कर रहा है, माइक्रो टीयरिंग कर रहा है आपको। माइक्रो टीयरिंग हो रही है, फिर दोबारा लोड लग रहा है माइक्रो के ऊपर, माइक्रो 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 माइक्रो, वो होता होता किसी एक टाइम पे जाके वो इतना ज्यादा इंजरी हो जाती है कि फिर वो मैक्रो की फॉर्म में आपके सामने आ गया। ये है आपकी रिपीटेटिव ट्रॉमा। रेपिटेटिव ट्रॉमा अगर हम स्पाइन के ऊपर अप्लाई करें, तो रेपिटेटिव ट्रॉमा की वजह से वो बेसिकली हम स्पाइन के केस में कहेंगे फटीग ब्रेकडाउन। जब लोड आपकी स्पाइन के ऊपर और वर्टिब्रल डिस्क के ऊपर माइक्रो ट्रॉमास होते रहेंगे किस वजह से, अगर आपका पोस्चर एबनॉर्मली प्रोलॉन्ग टाइम के लिए एसिमेट्रिकल है, फ्लेक्स्ड पोस्चर है, टॉर्जनल स्ट्रेसेस उसके अंदर आ रहे हैं, तो आपके वो जो एनुलस फाइबर्स है ना उनके ऊपर बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रेच रहने लग जाएगा और वो माइक्रो टीयरिंग होना शुरू हो जाएंगी जगह जगह से। अब जब वो माइक्रो टीयरिंग होंगी, वो एक टाइम ऐसा आएगा कि सडन अगर कोई मूवमेंट ऐसी हो जाती है तो वो आपको क्या कर देगा कि उसमें फिशर्स जो है वो बन जाते हैं, रप्चरिंग हो जाती है, टीयर्स आ जाएंगे, और उन टीयर्स की वजह से वो जो न्यूक्लियस मटेरियल है ना वो अपनी जगह छोड़ देगा, उसकी इंटेग्रिटी डिस्टर्ब हो जाएगी, और अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या निकलेगा जो अभी हम बात कर रहे थे, हर्निएशन, जिसको हम बोल रहे हैं जनरल टर्म हर्निएशन, और वो विद स्टेजेस जो है वो होती होती है आपकी पे बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, नेचुरली जो है ना वो इसमें हीलिंग तो होती है, हर इंजरी के साथ जो है वो अल्लाह ताला ने बॉडी के अंदर नेचुरल हीलिंग का प्रोसेस रखा हुआ है। बट आपको ये चीज याद होगी कि आपकी जो डिस्क है उसकी अपनी ब्लड सप्लाई कोई नहीं है, बहुत पुअर सर्कुलेशन है यहाँ पे। तो जब पुअर सर्कुलेशन होगी तो उसकी वजह से हीलिंग ऑब्वियसली क्या हो जाएगी, लेट हो जाएगी, डिले हो जाएगी, क्योंकि सर्कुलेशन नहीं है, आपको उसके लिए प्रॉपर जो कॉन्टेंट्स चाहिए हीलिंग के लिए वो नहीं आपको उतने अच्छे मिलेंगे। तो हीलिंग अटेम्प्ट होती है बॉडी की तरफ से, लेकिन उसमें ऑब्वियसली टाइम लग जाता है क्योंकि सर्कुलेशन पुअर है। दूसरी चीज है हमारे पास ट्रोमेटिक रप्चर, जिसको अगर हम बाकी बॉडी के हिसाब से देखें तो उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रॉमा। एक्यूट ट्रॉमा क्या होता है कि एक ही आपके पास ट्रॉमा एक ही दफा लगा और वो इतना ज्यादा मैग्नीट्यूड में था कि उसने एक ही दफा में आपको जो है वो इंजरी कॉज कर दी, रप्चर कर दिया या व्हाटएवर जो भी इंजरी थी। वन सिंगल ट्रॉमा हाई इनफ टू प्रोड्यूस दैट पर्टिकुलर इंजरी, उसको हम कहते हैं एक्यूट ट्रॉमा। स्पाइन के केस में, इंटरवर्टिब्रल डिस्क के केस में, इसको हम कहेंगे ट्रॉमेटिक रप्चर। आपको एक ही दफा इतना सडन जो है वो आपके ऊपर ट्रॉमा आया है कि जो एनलस था वो एक ही दफा जो है वो टूट गया, उसका रप्चर हुआ और वो जो आपका था न्यूक्लियस मटेरियल वो बाहर निकल आया, हर्निएशन हो गई। किन केसेस में होता है, हाइपरफ्लेक्शन इंजरीज में। हाइपरफ्लेक्शन साथ में अगर आपने कोई लोड भी उठा रहे हो, वेट उठा रहे हो, लिफ्टिंग कर रहे हो, एक बड़ी लेमेन टर्म है जो कि आम तौर पे आप लोगों ने सुनी होगी कि जी कमर में दर्द होगी, क्या हुई जी, चुक पड़ गई है, बहुत कॉमन वर्ड है चुक पड़ना। पूछो जी क्या हुआ था, क्या क्या किया था, क्या ऐसा हो गया,
तो अक्सर होगा 98% आपको ये जवाब मिलेगा कि जी बस वो नीचे झुक के ना, बस वो पानी की बाल्टी उठाई थी, वो जी फलां चीज उठाई थी, फलां बोझ उठाया था, फलां चीज उठाई थी। और फीमेल्स कंप्लेन करती हैं जी वो कपड़े धो रहे थे, वो कपड़े भारी थे, पर्दे धो रहे थे जी, वो पर्दे जो गीले थे वो उठाए हैं नीचे से, या कोई चीज उठाई है नीचे से उस टाइम पे जो जो चुप पड़े। अब ये जो टू कहना पेशेंट के लिए तो पेन है, पेशेंट को तो बस ये है कि जो मूवमेंट नहीं हो रही और बस बस जो स्पाइन है ना वो बिल्कुल स्टिफ हो गया। ये दो तरह के इसमें आगे केसेस हो सकते हैं, या वो सिंपल स्पैज्म भी हो सकता है, मस्कुलर स्पैज्म, ठीक है कि वो बहुत ज्यादा फोर्स जो है वो उसके ऊपर लग गई है, मसल स्पैज्म में जा सकता है सिंपल। या दूसरा केस जो है ना वो फिर ये है ट्रोमेटिक रप्चर वाला, जिसमें आपका एनुलस जो है वो रप्चर होता है सडन इंजरी की वजह से, एक्यूट इंजरी की वजह से, और हर्निएशन जो है ना वो एट द स्पॉट हो रही होती है। अब वो डिपेंड करता है कि हर्निएशन का कौन सा स्टेज है, कौन सा लेवल है, उसके अकॉर्डिंग पे पेशेंट की सेवेरिटी मैटर करती है। एक्सियल जो ओवरलोड है, आपको पता है कि कंप्रेशन स्पाइन के ऊपर आता है, कंप्रेशन जो है ना वो आपकी इंटरवर्टिब्रल डिस्क को कम नुकसान पहुंचाता है, उससे पहले आपके जो एंड प्लेट है या जो आपकी वर्टिब्राज बॉडी है इटसेल्फ उसको ज्यादा नुकसान पहुंचाता है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन फ्रैक्चर। आपको याद होगा, आपने ये चीज पढ़ी होगी कि जब कंप्रेशन फ्रैक्चर आता है तो स्पाइन पे जो उसके एक्सरे है इमेज, उसके अंदर स्पाइन वो जो वर्टिब्रा है वो वेज शेप का जो है वो फील होता है, उसकी प्रॉपर चार जो है ना वो बाउंड्री हमें नहीं नजर आती, वो वेज शेप का बन जाता है। क्यों? क्योंकि वो कंप्रेस हो जाता है, दब जाता है, क्रश हो जाता है, और वो वेज शेप का जो है ना वो फिर हमें नजर आने लगता है एक्सरे इमेज के ऊपर। ये बेसिकली या ये जो हर्निएशन या जिस जितने भी डिस्क रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, खास तौर पर ये एक्सियल कंप्रेशन की बात है, तो ये एज रिलेटेड भी है, और ज्यादा ये 30 to 45 years की एज को ज्यादा इफेक्ट करता है। क्यों? क्योंकि ये एज ऐसी है जिसमें आपकी जो है ना वो रेपिटेटिव लोडिंग इतनी ज्यादा हो चुकी हुई होती है माइक्रो टीयरिंग की वजह से, और आपका लेकिन स्टिल आपका न्यूक्लियस जो है वो शॉक एब्जॉर्प्शन कर रहा होता है, उसमें एबिलिटी होती है कि वो वाटर को एब्जॉर्ब कर सके, रिलीज कर सके। न्यूक्लियस है ही वाटर की एब्जॉर्प्शन और रिलीज, ठीक है ना, यही उसका शॉक एब्जॉर्प्शन का काम करता है। तो ये उसमें कैपेबिलिटी होती है बट वो कम हो चुकी होती है एज कम्पेयर टू जो आपकी अर्ली लाइफ में थी, फटीग की वजह से और टाइम और आपके फॉल्टी पोस्चर्स वगैरह की वजह से, रेपिटेटिव स्ट्रेसेस की वजह से ना ये चीज इस तरह की है कि आपके ये 30 to 45 एज जो है वो ज्यादा अफेक्ट होती है। अब जो डीजनरेटिव चेंजेस हैं वो क्या है कि लॉस ऑफ एनी लॉस ऑफ इंटेग्रिटी ऑफ डिस्क, किसी भी किस्म की इंटेग्रिटी में चेंज आ रहा है, डीजनरेटिव चेंज वो उसको डिस्क को जो है वो डीजनरेटिव की तरफ ले जाती है, ठीक है। अब उसमें जो है वो कुछ जेनेटिक कंपोनेंट्स भी इन्वॉल्व होते हैं, कि लाइक आपकी जो बैक पेन है वो क्रॉनिक बैक पेन्स ये फैमिलीज के अंदर भी रन करती है, जेनेटिकली चलती आ रही होती है। क्रॉनिक पेन्स होती हैं लोगों को, वो सीजनल भी होती है और वो कुछ का मैकेनिकल भी होती है उसकी रीजंस, लेकिन वो है आपकी, मतलब आपके सिस्टम के अंदर ये चीज़ है, आपकी स्पाइन के अंदर ये है कि आपकी स्पाइन वल्नरेबल है ड्यू टू योर जेनेटिक फैक्टर्स। तो वो कोई भी थोड़ी बहुत ऊंच नीच होती है तो आपकी क्रॉनिक पेन जो है वो एक्यूट बन के आपके सामने निकल आती है, और ये बड़ा कॉमन है। इवन मेरी अपनी फैमिली के अंदर जो है वो ये चीज़ बड़ी कॉमन है, जेनेटिकली जो है वो ये चलती आ रही है। प्रोग्रेसिव फाइब्रस चेंजेस जो है वो न्यूक्लियस में आना शुरू हो जाती हैं, जो आपके एनुलस है उसके जो रिंग्स हैं उनकी ऑर्गेनाइजेशन खराब होना शुरू हो जाती है, ठीक है, यही इंटेग्रिटी है ना, यही खराब हो रही है। वाटर की जो एब्जॉर्प्शन और रिलीज का जो उसकी एबिलिटी है वो खत्म हो रही होती है, कम हो रही होती है। न्यूक्लियस का साइज इटसेल्फ जो है वो डिक्रीज कर रहा होता है, और एक्यूट डिस्क प्रोट्रूजन अल्टीमेट उसका रिजल्ट क्या है कि वो प्रोट्रूजन या हर्निएशन की तरफ निकल जाती है। अब इफेक्ट ऑन स्पाइनल सेगमेंट, अब इस सब का स्पाइनल सेगमेंट के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि स्पाइनल सेगमेंट तो वो है ना जो क्योंकि आपका फंक्शनल यूनिट है, तो फंक्शन का मतलब ये है कि फंक्शन तो फिर डिस्टर्ब होगा। अब फंक्शन किस तरह से डिस्टर्ब होगा, वो दोनों केसेस में हो सकता है। अगर तो आपकी मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है किसी वजह से, ठीक है, मोबिलिटी इंक्रीज कर रही है तो स्टेबिलिटी डिस्टर्ब हो जाएगी। अगर आपकी मोबिलिटी रिड्यूस हो रही है तो वो आपको हाइपो मोबाइल कर देगा, ठीक है, मोबिलिटी आपकी रिड्यूस हो जाएगी। लेकिन बहरहाल इसका इफेक्ट क्या आएगा, आपकी
स्पाइनल सेगमेंट के ऊपर, मोशन सेगमेंट के ऊपर आएगा, मूवमेंट के ऊपर फर्क आएगा, और उसका अल्टीमेट रिजल्ट क्या है कि आपकी जो फोर्स की डिस्ट्रीब्यूशन है ना थ्रू आउट द सेगमेंट वो ऑल्टर रह जाएगी। एक नॉर्मल जो फोर्स आपको जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होनी थी और जिस एरिया पे जितनी फोर्स लगनी थी, जिसने इंजरी कॉज नहीं करनी है आपको, वो चेंज हो जाएगी। जब चेंज आएगा दैट मीन्स कि यू आर वल्नरेबल टू इंजरी। अब ये जो डिस्क की जो पैथोलॉजी थी, अब उससे रिलेटेड कुछ और चीजें हैं जो कि अब हम देख लेते हैं, लाइक टिश्यू फ्लूइड स्टेसिस क्या होता है अभी आगे देखते हैं। डिस्कोजेनिक पेन, पेन अपनी जगह चेंज करती रहती है, ठीक है, उसकी जो फोर्स है वो चेंज होता रहता है। स्वेलिंग फ्रॉम इंफ्लेमेशन, स्वेलिंग आपको पता है इंफ्लेमेशन की वजह से अगर है तो उसकी इटसेल्फ भी पेन होती है, एडिमा है, वो आपको पेन कॉज कर रहा होता है, वो आपकी मोबिलिटी को थोड़ा बहुत डिस्टर्ब कर रहा होता है, ठीक है। और ये किस वजह से हो सकता है? प्रोलॉन्ग फ्लेक्शन पोस्चर्स, अगेन वही बात, फॉल्टी पोस्चर्स आपके, रेपिटेटिव आपके माइक्रो ट्रॉमाज हैं और आपके ट्रोमेटिक इंजरीज हैं, फ्लेक्शन इंजरीज, ये आपको कॉज कर सकते हैं। अब टिश्यू फ्लूइड स्टेसिस क्या होता है, इसको जरा समझ लीजिएगा। जब आप कोई ऐसा फ्लेक्स्ड पोस्चर, ठीक है, एबनॉर्मल पोस्चर, फ्लेक्स्ड पोस्चर, एसिमेट्रिकल पोस्चर आप बहुत ज्यादा टाइम के लिए अटेन करके रखते हैं, तो क्या होता है कि आपके जितने स्ट्रक्चर्स हैं ना उन सब के ऊपर इफेक्ट आता है। आपकी डिस्क के ऊपर भी आएगा, आपके फेसेट जॉइंट्स के ऊपर भी आएगा, आपके लिगामेंट्स के ऊपर भी लोड आएगा, सब जो है ना वो उस जिसको कहते हैं ना कि एबनॉर्मल लोड को बियर कर रहे हैं। आपके इंट्राडिस्कल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, आपके जो कॉर्टिलेज है फेसिक जॉइंट्स की उनके ऊपर कंप्रेशन बढ़ जाता है। आपको पता है कि अगर आप फ्लेक्शन पोस्चर के अंदर होते हैं तो आपका जो ऑपोजिट साइड है यानी पोस्टीरियर साइड है, आपके जितने स्ट्रक्चर्स हैं वो टेंशन के अंदर रहते हैं, टाइट रहते हैं, स्ट्रेच्ड अप रहते हैं, उसमें आपका पोस्टीरियर लॉन्गिट्यूडिनल लिगामेंट भी आ जाता है, आपके जो एनुलस फाइब्रोसिस है उसके पोस्टीरियर फाइबर्स भी आ जाते हैं, रिंग्स आ जाएंगे। ये सब के सब क्या है, आपके लोड को बियर कर रहे हैं किसी ना किसी तरह से, ठीक है। अब फ्लूड की ट्रांसफर भी चेंज होगी, फ्लूड उस तरफ ज्यादा मूव करेगा जहां पे आपको शॉक एब्जॉर्प्शन की ज्यादा जरूरत है, जहां पे कंप्रेशन ज्यादा है, जहां पे बेंडिंग ज्यादा है। अच्छा ठीक है, फ्लूड वहां पे ट्रांसफर हो गया। अब जैसे ही आप सडनली अपना पोस्चर चेंज करते हैं, सडनली आप एक्सटेंशन मूवमेंट के अंदर जाते हैं आफ्टर प्रोलॉन्ग एबनॉर्मल फ्लेक्स्ड पोस्चर, ठीक है, तो क्या होगा कि जितनी जल्दी आपने मूवमेंट की है आपका वो जो फ्लूइड था ना वो उतनी जल्दी रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं होता। अब जब एक्सटेंशन के टाइम पे जहां पे आपको शॉक एब्जॉर्प्शन की जरूरत थी, फ्लूइड वहां पे नहीं रीडिस्ट्रीब्यूट हुआ स्टेसिस की वजह से, फ्लूइड के रुकने की वजह से, क्योंकि आपका पोस्चर पहले काफी देर से खराब था। एट दैट टाइम जब फ्लूइड रीडिस्ट्रीब्यूट नहीं हुआ स्टेसिस की वजह से, तो वो क्या होगा कि आपको वहां पे उस पर्टिकुलर एरिया में जहां पे आपको फ्लूइड चाहिए था और उसको नहीं था, आपको वहां पे इंजरी हो सकती है और वहां पे आपकी इंफ्लेमेशन हो सकती है, कोई ना कोई एलिमेंट रप्चर हो सकता है, वहां पे इंफ्लेमेशन हो सकती है, स्वेलिंग होगी, एडिमा बनेगा, उसकी अपनी इटसेल्फ पेन होगी, जो स्ट्रक्चर रप्चर होगा वो इटसेल्फ पेन करेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका फ्लूइड टिश्यू फ्लूइड स्टेसिस था, ये जो फ्लूइड की रीडिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रही तो वो आपको इंफ्लेमेशन की तरफ लेके जा सकते हैं, ठीक। अब इसके जो साइन सिम्टम्स आते हैं वो क्या है कि जो डिस्क है वो इनर्वेट तो होती है, आपको पता है उसकी इनर्वेशन है मिक्स स्पाइनल नर्व से होती है, लेकिन इसका जो आउटर 1/3 एनलस है ना वो इनर्वेटेड है, सेंट्रल पार्ट इनर्वेटेड नहीं है। अब क्या होगा कि वो जो पर्टिकुलर एरिया आपका रप्चर हुआ है या जो आपके एनुलस के रिंग्स जो है वो रप्चर हुए हैं, उसकी पेन जो है ना वो अराइज करेगी, स्वोलन हो जाएगा वो एरिया, जो पेन सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स हैं आउटर रिंग वो आपको जाहिर सी बात है पेन के सिग्नल देना शुरू कर देंगे, फिर आपके फर्दर केमिकल्स यहाँ पे रिलीज होना शुरू हो जाते हैं जो लाइक प्रोस्टाग्लैंडिंस हैं, जो कि आपके बेसिकली पेन कॉज करने वाले एलिमेंट्स हैं, वो जो रिलीज होते हैं वो आपको पेन करते हैं। तो मेजर एक साइन एंड सिम्टम में क्या आ जाता है कि पेशेंट को पेन फील होता है, क्यों हो रहा है उसकी रीजन आपको समझ आ गई होगी। न्यूरोलॉजिकल साइंस जो है वो इसके अंदर आना शुरू हो जाते हैं। अब वो न्यूरोलॉजिकल साइंस क्या है कि आपकी जो स्पाइनल कॉर्ड है और नर्व रूट्स हैं
उनके ऊपर प्रेशर पड़ रहा है, तो वो आके साइन एंड सिम्टम्स आपको न्यूरोलॉजिकल देंगे. अब न्यूरोलॉजिकल जितने भी साइन एंड सिम्टम्स होते हैं बॉडी के अंदर, वो दो तरह के होते हैं. कुछ को हम कहते हैं ट्रू साइंस कहते हैं, और कुछ को हम कहते हैं फॉल्स साइंस. फॉल्स साइंस का मतलब ये नहीं है कि वो है ही नहीं, कुछ ट्रू हैं और कुछ उससे मिलते जुलते हैं, रिलेटेड हैं बट नॉट ट्रू. अब वो क्या है, ट्रू साइंस है अगर आपके स्पाइनल कॉर्ड या नर्व रूट्स इंजर हो रही हैं, उनके ऊपर डायरेक्ट कंप्रेशन आ रहा है या इंजरी हो रही है, प्रेशर पड़ रहा है, तो उससे जो ट्रू साइंस आएंगे वो क्या होंगे कि या तो आपको मोटर वीकनेस हो जाएगी, या एक आपका मोटर फंक्शन लॉस हो रहा है, उसमें कमी बेशी आ रही है, या आपके जो सेंसरी डर्माटोमल पैटर्न्स हैं, डर्माटोमल जो सप्लाईज हैं उनके अंदर चेंज आ रहा है, सेंसेशंस जा रही हैं, या आपका मोटर फंक्शन जा रहा है. ये दो चीज़ें हैं जो कि ट्रू न्यूरोलॉजिकल साइंस हैं. बाकी जितने साइंस होते हैं कि लाइक पेन रेडिएट कर रही है, या आपकी जो SLR है वो कम हो गई है, आपके रिफ्लेक्सेस जो हैं वो डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस कम हो गए हैं, डिप्रेस हो गए हैं, आपके किसी मसल की एक्टिविटी बढ़ गई है, कम हो गई है, ये सारी चीज़ें आपकी नर्वस सिस्टम के हैं साइंस, लेकिन इनको हम ट्रू न्यूरोलॉजिकल साइंस नहीं कहेंगे. ये उससे मिलते जुलते रिलेटेड चीज़ें हैं, इसलिए हम इनको कहते हैं कि ये फॉल्स साइंस है. बट ये दोनों के दोनों जो हैं वो ट्रू भी और फॉल्स भी आपके इसमें प्रेजेंट कर सकते हैं. ठीक है, कुछ शिफ्टिंग सिम्टम्स होते हैं, लाइक जैसे मैंने आपको पहले कहा डिस्कोजेनिक पेन. पेन अपनी जो है ना वो साइट चेंज करती रहती है, अपनी पोजिशन, अपना सोर्स जो है वो चेंज कर सकती है. इन्फ्लेमेशन के अपने जो है ना वो साइन एंड सिम्टम्स होंगे. इरिटेट हो सकता है आपका जो ड्यूरा मैटर है, आपकी ये जो लेयर्स हैं ये हो सकती हैं, इरिटेट हो सकती हैं, और ये जो इन्फ्लेमेशन है ये आपकी जल्दी भी रिजॉल्व हो सकती है, बट ये प्रोलॉन्ग भी कर सकती है, परसिस्ट भी कर सकती है. ठीक है, स्ट्रेट लेग रेजिंग एक ऐसा टेस्ट है जो बड़ी सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं, और अगर हम ये खास तौर पर डिस्क रिलेटेड चीज़ों की अगर हम बात करें, तो अगर स्ट्रेट लेग रेजिंग में जो आपको पता है कि नॉर्मली आपके लेग के अंदर भी पेन आती है ना, वो समटाइम्स स्ट्रेच की पेन भी होती है, या वो बकायदा पेन भी होती है, समटाइम्स सिर्फ स्ट्रेच होता है, समटाइम्स पेन भी होती है, तो इन इन इधर केस आपकी जो स्ट्रेट लेग रेजिंग के साथ लेग में पेन आए और साथ में जो आपकी बैक में पेन, अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें ना, तो डिस्क के प्रॉब्लम्स में आपकी बैक की पेन जो है ना वो वर्स हो जाएगी एज कम्पेयर टू लेग पेन. तो ये आपका एक पॉजिटिव साइन है कि जी स्ट्रेट लेग रेजिंग के साथ अगर बैक की पेन बढ़ी है तो वो आपका डिस्क का प्रॉब्लम है. ठीक है, ये प्रॉब्लम या खास तौर पे इन्फ्लेमेशन जो है वो ऐसी चीज है जिसके लिए आपको खाली जो है वो एक्सरसाइजेस नहीं, आपको जो मेडिकेशन है वो भी रिक्वायर्ड होती है, लाइक एनसिड्स जिसको हम कहते हैं, एंटी इंफ्लेमेटरी एजेंट्स हैं वो भी रिक्वायर्ड होते हैं ताकि आप उसको ओवरकम कर सकें. अब ये जो पेन है या ये जो सिम्टम्स हैं, इनके बिहेवियर किस तरह से हैं कि ये 20 to 55 years की एज में कभी भी हो सकता है. हम में से मोस्टली लोगों ने जो है वो इस चीज़ को एक्सपीरियंस की होगी, बैक पेन को. लेकिन ज़्यादा चीज़ें ये कब कॉमन हो जाती हैं, 30 to 40 years के अंदर, क्योंकि वही बात कि आपकी एज उस वक्त इस तरह की है कि आपके ऊपर रेपिटेटिव लोडिंग इस तरह की हो चुकी भी होती है, माइक्रो टीयरिंग और ये वो सारा कुछ, कि आप जो है ना वो थोड़े से रिस्क आपके बढ़ जाते हैं. तो ट्रॉमा जो है वो एसोसिएटेड, जैसे पहले आपको बताया, बेंडिंग फ्लेक्शन पोस्चर्स के साथ बड़ा कॉमन है, बेंडिंग के साथ लिफ्टिंग और अटेम्प्ट टू स्टैंड अप आफ्टर हैविंग बीन इन अ प्रोलॉन्ग रिकम्बेंट सिटिंग और फॉरवर्ड बेंड पोस्चर. कि बहुत देर के लिए जब आप प्रोलॉन्ग फॉल्टी पोस्चर में रहते हैं, उस वक्त जब आप उसको वापस अपनी पोजिशन में जाते हैं, स्टैंड करने की कोशिश करते हैं, स्टैंड अप करने की, तो उस टाइम पे आपके जो है ना वो प्रॉब्लम्स निकल सकते हैं. अ प्रोलॉन्ग फ्लेक्स स्पाइनल पोजिशन एज इन अ फॉरवर्ड हेड पोस्चर में लीड टू और एग्जेसिवेट सिम्टम्स फ्रॉम अ प्रोट्रूजन. ठीक है, अब सर्वाइकल स्पाइन की बात करें, उसमें भी सेम इसी तरह से बात है. पेन का बिहेवियर कुछ इस तरह से है कि पेन जो है ना, खास तौर पे ये जो डिस्क प्रोट्रूजन और उसके से रिलेटेड जो पेन्स हैं, उसमें पेशेंट ज्यादा उस वक्त पेन फील करता है जब वो इनएक्टिव है. इन एक्टिविटी से जो है ना वो पेन बढ़ता है एज कंपेयर टू मूवमेंट. मूवमेंट होती है ना, तो मूवमेंट के साथ आपके वो जो न्यूक्लियस है ना उसकी पोजीशन समहाउ चेंज होती रहती है, तो वो आपकी पेन को ना कुछ रिलीव करता रहता है. अगर आप एक ही पोजीशन के अंदर पड़े हुए हैं,
तो वो जो डिस्क और वो जो प्रोट्रूजन होनी है वो बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि अब न्यूक्लियस का तो काम ही यही है कि वो मूवमेंट के साथ मूव करता है, उसकी पोजीशन चेंज होती है। अगर आप उसको एक जगह पे छोड़ देंगे तो वो वहीं का वहीं रहेगा और वो पेन बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए रात के बाद जब आप सुबह उठते हैं या सिटिंग के बाद आप जब खड़े होने की कोशिश करते हैं या ज्यादा देर बैठते हैं, इनएक्टिव पोस्चर रहता है, उस वक्त आपकी पेन जो है ना वो बढ़ रही होती बता लेना ठीक है। हाँ है। अच्छा जी, आप ये माइक्स बेटा ऑफ रखिएगा, कॉल इससे जो है ना वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। चलें, अगर किसी की वीडियो ऑन है तो बेटा वो भी ऑफ कर दें, ठीक है। अब इसमें पेन क्या है जनाब, एग्रेवेट करती है विद सिटिंग, फॉरवर्ड बेंडिंग, कफिंग। कफिंग से आपको पता है इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वो आपकी पेन को बढ़ा सकता है, प्रोट्रूजन को क्या कर सकता है, बढ़ा सकता है। अच्छा जी, इसके अलावा पेशेंट जो है ना वो वॉकिंग में बेहतर फील करता है। अगेन वही बात कि जब मूवमेंट होगी, न्यूक्लियस की जगह चेंज होगी तो वो बेहतर फील करेगा। लेकिन ये भी उस केस में है कि अगर बल्ज जो है ना वो बहुत ज्यादा लार्ज नहीं है, लाइक वो फ्री सिक्वेस्ट्रेशन वाली अगर बात है तो उसके अंदर वॉकिंग में कोई फायदा नहीं होने लगा, ठीक है। अब एक्यूट पेन जो है वो किस किस्म की होगी, कि पेन जो है वो हमेशा प्रेजेंट रहती है लेकिन इंटेंसिटी में वेरी कर सकती है। लंबर स्पाइन के अंदर जो है वो ये आपका लंबोसेक्रल और बटक का रीजन और साथ में लेग थाई ये भी इन्वॉल्व हो सकती है, और सर्वाइकल स्पाइन की अगर हम बात करें तो ये जो मिड स्कैपुलर रीजन है और शोल्डर्स, ये आपके प्रॉब्लमेटिक हो जाते हैं, सिम्टोमेटिक हो जाते हैं। नर्व रूट के जो प्रॉपर नर्व रूट के साइंस हैं, जो अभी हम बात कर रहे थे ट्रू साइंस जो न्यूरोलॉजिकल हैं, वो तभी होंगे अगर आपकी प्रोट्रूजन इतनी प्रोग्रेस कर गई है कि वो आपके नर्व रूट को इम्पिंज करे, उसको कंप्रेस करे। अदरवाइज अगर बल्ज नहीं है और वो इतना नहीं है कि आपकी नर्व रूट को कंप्रेस नहीं करा, तो आपको साइंस ट्रू न्यूरोलॉजिकल साइंस नहीं आएंगे, ठीक है। फॉल्स में आ सकते हैं, पेन रेफर कर सकती है और कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं, लेकिन वो ट्रू साइंस नहीं होंगे। ये है आपका लंबर का जो एरिया है, लाइक इसमें आपका सिर्फ लो बैक भी हो सकता है, ठीक है। ये आपके जो ये जो पेल्विस के ब्लेड्स हैं ये अफेक्ट हो सकते हैं, बटक इन्वॉल्व हो सकता है, बटक के साथ थाई इन्वॉल्व हो सकती है, और ऑल ओवर द लेग अप टू योर बिग टो, जो एक बड़ी जनरल टर्म और बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम आपने सबने सुनी होगी, चार्टेक पेन, वो यही चीज है, ठीक है। लाइक अगर आपकी पेन जो है वो इतनी ज्यादा उसमें शार्टेक नर्व इम्पेंज हो रही है, तो फिर ऑल ओवर द नर्व कोर्स जो है ना वो ट्रेवल करती है, और फिर पेशेंट को वो सारा एरिया पेनफुल रहता है, सिम्टोमेटिक रहता है। लंबर स्पाइन के अंदर जो क्लिनिकल फाइंडिंग्स हैं वो आपको इस तरह की कुछ मिलेंगी, कि पेशेंट जो है ना वो बैठने और ज्यादा जो है ना वो प्रेफर करता है कि वो खड़ा रहे या वॉकिंग के अंदर रहे। रीजन उसकी क्या है कि वॉकिंग से तो आपको चलो समझ आ गई कि जी न्यूक्लियस की पोजीशन चेंज होगी तो वो समहाउ उसको रिलीफ मिलेगा। अगर स्टैंडिंग है तो स्टैंडिंग पे तो स्टिल पोजीशन है, फिर क्यों? ये अभी मैं दूसरे तीसरे पॉइंट के अंदर आपको जो है ना एक्सप्लेन करती हूँ कि क्यों स्टैंडिंग में क्यों। अच्छा, इसमें जो है ना वो लैटरल शिफ्टिंग भी आती है। लैटरल शिफ्टिंग का क्या मतलब है, वो जो स्कोलियोसिस वाली चीज हम बात करते हैं ना, स्कोलियोसिस बनना या स्पाइन का लैटरल शिफ्ट हो। देखो, एक तरफ से पोस्टरोलेटरल साइड से, लेट से राइट साइड से आपकी जो है ना वो डिस्क जो है वो प्रोट्रूड कर रही है, तो पेशेंट समटाइम्स क्या करते हैं, जिस तरफ प्रोट्रूजन होती है ना उस तरफ को बेंड करना अच्छा समझते हैं, रिलीफ मिलता है उनको। क्यों? जब वो इस तरफ को बेंड करेंगे तो वो जो प्रोट्रूडेड एरिया था उसके ऊपर कंप्रेशन आएगा, और ऑपोजिट साइड जब आपकी खुलेगी, ओपनिंग होगी, तो न्यूक्लियस को ओपनिंग वाली एरिया की तरफ जाने की जगह मिलेगी, स्पेस मिलेगी, और वो उस तरफ को मूव करेगा, और वो जो पर्टिकुलर एरिया जो बल्ज की वजह से आपको पेन कर रहा था वो रिड्यूस होता हुआ फील होगा। तो पेशेंट कोशिश करता है कि अपने आप को ना लैटरल शिफ्ट करके रखे ताकि किसी तरह से उसको रिलीफ मिले, लेकिन ये हर दफा जो है ना ये चीज काम नहीं करती, वो इट्स वो समटाइम्स प्रॉब्लमेटिक भी हो जाती है कि आपको फिर लैटरल शिफ्ट को भी पहले ठीक करना पड़ता है, ठीक है। वो भी आगे मैं बात करती हूँ उसकी।
फोर्थ पॉइंट में दो वर्ड्स लिखे हुए हैं, पेरिफेरलाइजेशन एंड सेंट्रलाइजेशन। ये दो वर्ड्स हैं, ये टर्म जरा अच्छे से समझ लेते हैं। पेरिफेरलाइजेशन उस चीज को कहते हैं कि कोई भी मूवमेंट या कोई भी टेस्ट परफॉर्म करने से अगर आपकी जो स्पाइन की पेन है, बैक पेन है, वो आपकी पेरिफ्रीज की तरफ रेडिएट करे, बढ़ जाए, पहले से ज्यादा हो जाए और वो पेरिफ्रीज की तरफ रेडिएट करना शुरू कर दे, तो उसको हम कहते हैं पेरिफेरलाइजेशन। ये पेन जो है वो पेरिफेरलाइज हो रही है। और सेंट्रलाइज हम उसको कहते हैं कि पेन अगर फैली हुई है ना, लाइक एक एरिया है लो बैक का एरिया, आपको जो है वो डिफ्यूज सी पेन आपको फील हो रही है, ऐसा कोई भी टेस्ट या ऐसी कोई भी मूवमेंट परफॉर्म करना जिससे आपकी वो फैली हुई पेन जो है वो इकट्ठी होके सेंटर की तरफ आ जाए और वो आपको कम होती हुई फील हो, पहले से आपको रिलीफ मिले, दैट इज कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। जब आप क्लिनिकली इसको असेस करते हो तो हम ये देखते हैं कि किस मूवमेंट में आपकी पेन जो है वो पेरिफेरलाइज कर रही है और किस मूवमेंट में आपकी पेन सेंट्रलाइज कर रही है। ये आपके टेस्ट होते हैं जो आपको बताते हैं कि हाँ ये प्रॉब्लम जो है वो इस वजह से अराइज हो रहा है। अब लंबर के केस में क्या होता है, खासतौर पर डिस्क के केस के अंदर, क्योंकि डिस्क आपकी पोस्ट्रोलेटरल साइड पे प्रोट्रूड करती है, सामने तो करती नहीं है। पोस्ट्रोलेटरल जब प्रोट्रूड करती है ना, तो आप जब फॉरवर्ड बेंडिंग में जाते हो, फ्लेक्शन में जाते हो, तो पोस्टीरियर साइड पे मजीद ओपनिंग होती है, न्यूक्लियस को मजीद बाहर निकलने की जगह मिल जाती है, वो मजीद बल्ज करता है और पेन बढ़ जाती है। तो लंबर के केस में, डिस्क के केस में आपकी फॉरवर्ड बेंडिंग के साथ हमेशा पेन जो है वो पेरिफेरलाइज करती है, पेन बढ़ के रेडिएट करने लग जाती है पेरिफ्रीज के अंदर। सेंट्रलाइजेशन का केस ऑपोजिट है। जब आप एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हो तो एक्सटेंशन में क्योंकि पीछे पोस्टीरियर साइड पे कंप्रेशन आता है और इंटीरियर साइड पे ओपनिंग होती है, न्यूक्लियस को फॉरवर्ड साइड पे मूव करने की जगह मिलती है और पीछे का जो बल्ज है वो कम होके क्या है, रिलीफ की तरफ जाता है। तो ऐसे केस में, एक्सटेंशन के केस में, जब आप एक्सटेंशन कराते हो तो पेशेंट का जो डिफ्यूज पेन है वो सेंट्रलाइज करता है और वो कम होता हुआ पेशेंट को फील होता है। तो डिस्क के केस में हमेशा आपकी एक्सटेंशन जो है ना वो आपके पेन को सेंट्रलाइज करती है। अब मैं वापस आ रही हूँ अपने पहले पॉइंट के ऊपर के पेशेंट रेफर स्टैंडिंग। स्टैंडिंग पोस्चर है आपका एक्सटेंशन का, सिटिंग पोस्चर है आपका फ्लेक्शन का। तो पेशेंट क्यों, अब आपको आइडिया हो गया होगा कि सिटिंग से ज़्यादा स्टैंडिंग को क्यों प्रेफर करता है, क्योंकि एक्सटेंशन के अंदर पेन सेंट्रलाइज करती है और पेशेंट को रिलीफ मिलता है। यहाँ पे एक छोटी सी बात और है कि अगर पेशेंट आपके पास लेटरल शिफ्ट का आया हुआ है, पेन की वजह से उसने अपने आप को लेटरली शिफ्ट किया हुआ है, तो पहले आपको उसका लेटरल शिफ्ट ठीक करना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप लेटरल शिफ्ट के होते हुए जब आप पेशेंट को एक्सटेंशन कराते हो तो पेन उसका सेंट्रलाइज करने की बजाय पेरिफेरलाइज करता है, एक्सटेंशन के केस के अंदर भी, क्योंकि ऑलरेडी उसके अंदर क्या है, लेटरल शिफ्टिंग है। तो ये चीज याद रखनी है आपने कि लैटरल शिफ्ट के साथ अगर आप एक्सटेंशन प्रोड्यूस करते हैं तो पेन सेंट्रलाइज नहीं करता, वो पेरिफेरलाइज करता है, और उस केस के अंदर आपको पहले लैटरल शिफ्ट को करेक्ट करना पड़ता है, देन आप एक्सटेंशन पे जाओगे तो वो पेशेंट की पेन सेंट्रलाइज करेगी और पेशेंट बेहतर फील करेगा। इसी तरह से आपकी ये जो पैसिव एक्सटेंशन और फ्लेक्शन है, ये प्रोड्यूस करती है सिम्टम्स लेस वर्स देन इन सिटिंग, कि आपसे इवन, क्योंकि सिटिंग फॉरवर्ड पोस्चर है, तो पैसिव फ्लेक्शन और पैसिव एक्सटेंशन ये आपकी लेस सिम्टम्स जो है वो प्रोड्यूस करती है। इसी तरह से जो आपका SLR टेस्ट अगर आप परफॉर्म करते हो, वो अगर आप 30-60 डिग्रीज के अंदर अगर आपको पेशेंट को पेन फील होती है तो हम इसको समझते हैं कि ये SLR की पेन जो है ये डिस्क की वजह से ओरिजिनेट हुई है। SLR टेस्ट ना बहुत सारी चीज़ों में इस्तेमाल होता है, ये याद रखिएगा आप लोग, बहुत सारे स्ट्रक्चर्स को जो है ना वो SLR टेस्ट चेक कर रहा होता है। उसको हम डिफ्रेंशिएट किस तरह करते हैं, वो हम डिग्रीज में डिफ्रेंशिएट करते हैं कि फलां से फलां डिग्री है पेन आ रही है,
ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व है, यहाँ से यहाँ तक है तो ये प्रॉब्लम है, ये वाला स्ट्रक्चर जो है वो इन्वॉल्व है। तो डिस्क के अंदर जो पेन SLR के साथ आती है वो 30 to 60 degrees के अंदर आएगी, इससे कम हो या इससे ज्यादा हो तो उसको हम डिस्क की पेन नहीं कहेंगे, वो फिर और स्ट्रक्चर्स उसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो आगे फर्दर पढ़ेंगे कि उसमें कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इन्वॉल्व हैं। उसमें आपके हिप भी इन्वॉल्व होता है और बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, मसल्स हैं, ठीक है, उनकी पेन्स डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जाके आती है। तो यहाँ पर ये आपने याद रखना है कि जो डिस्क की पेन है वो SLR के साथ कब आती है, 30 to 60 degrees के अंदर। दैट इज द लेटरल शिफ्ट जिसकी अभी मैं बात करी थी कि पेशेंट जो है ना वो लेटरल शिफ्टिंग के साथ आपके पास आता है। सर्वाइकल स्पाइन लंबर स्पाइन से फर्क नहीं है, उसमें भी वही चीजें हैं, फॉल्टी पोस्टर स्पाइन के अंदर, यहाँ पे भी फॉरवर्ड हेड हो सकता है, हेड जो है वो रोटेटेड हो सकता है गार्डेड साइड पे ताकि उसको पेन जो है वो कम हो। इसमें भी फ्लेक्शन जो है वो पेरिफरलाइज करती है सिम्टम्स को, एक्सटेंशन जो है वो सेंट्रलाइज करती है, इस तरह से नर्व की मोबिलिटी जो है वो इम्पेयर कर सकती है अपर लम्ब के अंदर, क्योंकि जैसी बात है अगर नर्व इन्वॉल्व हो रही है और उसकी ग्लाइडिंग अगर प्रॉपर नहीं है तो वो उसके सिम्टम्स आ जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और शुरू में हमने पढ़ा था नर्व की ग्लाइडिंग जो है वो प्रॉपर ना हो तो पेन होना शुरू हो जाती है, सिम्टम्स आ जाते हैं। यहाँ पे जो है ना वो ट्रैक्शन फायदा देती है सर्वाइकल स्पाइन के अंदर, जब आप सर्वाइकल ट्रैक्शन देते हो पेशेंट को, जब आप वर्टिब्राज के दरमियान में गैप प्रोड्यूस करते हो तो ऑटोमेटिकली नेचुरली आपके जो बल्ज है उसको जगह मिलती है, स्पेस मिलती है और वो रिड्यूस होने की कोशिश करता है अपनी ओरिजिनल पोजिशन के ऊपर, ठीक है। लेकिन ये जो ट्रैक्शन है ये एक वो कह लो कि परमानेंट तो उसका हल नहीं है, क्योंकि अगर न्यूक्लियस आपके इस वजह से बल्ज आउट हो रहा है क्योंकि आपका एनुलस रप्चर हुआ है, तो आप जितनी मर्जी दफा ट्रैक्शन दे दें जब आप दोबारा उसके ऊपर मैकेनिकल लोड अप्लाई करेंगे तो वो फिर प्रोट्रूड हो जाएगा, क्योंकि उसको रोकने वाली चीजें नहीं है ना। तो ये सिम्टम्स को जरूर रिलीव करती है, ये आपका टेस्ट भी हो सकता है, हम इसको एज अ ट्रीटमेंट भी यूज करते हैं कि इसको हम ट्रीट करें ताकि वो बल्ज जो है वो वापस रिड्यूस हो और फिर हम बाकी चीजों को जो है वो स्ट्रेंथन अप करें ताकि फिर बल्ज रिड्यू वो दोबारा जो है वो ना बने। लेकिन अगर आपके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो आपको बल्ज को होल्ड नहीं कर पा रहे तो वो फिर हर दफा जो है ना वो आपको बल्ज प्रोड्यूस हो सकता है। ये एरिया है आपका जो सर्वाइकल के अंदर अगर हर्निएटेड डिस्क है तो ये एरियाज आपके अफेक्ट हो सकते हैं, दैट इज द लैटरल शिफ्टिंग। और इसमें अगर आप देखें तो जो नेक है वो आपको जो है वो न्यूट्रल नजर नहीं आएगी, ठीक है, वो आपको बेंड है, रोटेटेड है, स्लाइड सी वो भी आपको उस तरह से फील होगी। तो ये लैटरल शिफ्टिंग जो है वो लंबर में भी आती है और उसमें भी आती है सर्वाइकल के अंदर। अब ये जो पैथोमैकेनिकल रिलेशनशिप्स है ना ऑब्वियसली ये इम्पोर्टेंट है आपके चेंजेस जो आती हैं और उसकी वजह से फिर आपका जो मसल्स का कंट्रोल ऑल्टर होता है उसमें जो चेंजेस आती हैं और अल्टीमेटली फिर ये होती होती वो जो डी जनरेशन है वो आपकी बोन्स लेवल तक भी चली जाती है ना, ये बोन्स भी आपकी जो है उसके अंदर चेंजेस आना शुरू हो जाती हैं। तो इन सब का इफेक्ट आपके ऊपर क्या पड़ता है, ये जो पैथोलॉजीज थी इनका आपकी स्पाइन की मोबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट आएगा, आपकी डेफिनेटली डेफिनेटली क्या है, इनस्टेबिलिटी है। पेशेंट डेमोंस्ट्रेट डिफिकल्टी मूविंग इन द मिड रेंजेस ऑफ स्पाइनल मोशन एंड मे डेमोंस्ट्रेट शिफ्टिंग और फ्लक्चुएशन इन द मूवमेंट, पेन भी रीजन है इसका, बाकी जो स्ट्रक्चर्स है वो आपको जो सपोर्ट देने वाले थे वो भी इसका रीजन हो सकते हैं, ठीक है। तो आपके स्पाइनल जो सेगमेंट है उसके अंदर इंस्टेबिलिटी आएगी, आपकी मूवमेंट जो है ना वो ऑल्टर हो जाएगी। देन एक उसमें जो चेंज आता है वो स्टीनोसिस का चेंज आ सकता है कि आपके जो फोरामिनाज हैं जो स्पेसेस हैं वो रिड्यूस हो जाएं, अब उसकी बेतहाशा रीजन हो सकती है। अगर आपकी स्पाइनल कैनाल में स्पेस कम हो रही है उसको हम सेंट्रल स्टीनोसिस कहते हैं, और अगर आपकी वो जो फोरामिनाज हैं उनमें अगर स्पेस कम हो तो उसको हम लेटरल स्टीनोसिस कहते हैं, बट उसकी रीजंस जो है वो बेतहाशा है, वो कंजेनिटल भी है, वो एक्वायर्ड भी है, किसी भी एज में हो सकती है, डिस्क की प्रोट्रूजन की वजह से भी स्पेस कम हो सकती है, स्कार्स बन जाएंगे, एडहीजन्स बन जाएंगी तो भी रिड्यूस हो जाएगी, सिंपल कोई स्वेलिंग ही हो जाती है ज्वाइंट की या किसी भी वजह से इंफ्लेमेशन हो रही है, एडिमा बन रहा है
वो भी आपकी जो स्पेस है वो रिड्यूस कर जाएगी। ऑस्टियोफाइट्स बन रहे हैं स्पॉन्डिलोसिस के अंदर जैसे बन जाते हैं, तो स्पेस रिड्यूस हो रही है। स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस है, फॉरवर्ड स्लिपिंग हो गई है वर्टिब्रा की, तो भी स्पेस रिड्यूस है। फॉल्टी पोस्चर्स, तो भी स्पेस रिड्यूस। तो कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है जिसकी वजह से स्पेस रिड्यूस हो रही है, और अल्टीमेटली वो आपकी क्या कॉज करेगी, पेन भी कॉज करेगा, आपकी मोबाइल जो आपका मोशन सेगमेंट है उसकी मोबिलिटी को भी अफेक्ट करेगा। देन ये दोनों चीजें मिलके आपको क्या है, रेडिकुलोपैथी कर सकती हैं, क्योंकि जाहिर है स्पेस कम हो रही है, इंस्टेबिलिटी आ रही है, तो नर्व्स जो है वो इम्पिंज करेंगी, रेडिकुलोपैथी आएगी। डिस्क अगर उसको कंप्रेस कर रही है तो भी आ सकती है। डिस्क की अगर हाइट कम हो गई है, जैसे डिजनरेटिव चेंजेस के अंदर होता है, तब भी। अगर आपका वर्टिब्रा जो है वो ट्रांसलेट ज्यादा कर गया है तो भी आपकी जो है वो नर्व्स के ऊपर कंप्रेशन पड़ सकता है। इन्फ्लेमेशन की वजह से स्पेस रिड्यूस होगी, स्टीनोसिस वगैरह, ऑस्टियोफाइट्स फॉर्मेशन है, स्पॉन्डिलोलिस्थीसिस है, ये सारी चीजें हैं, ये आपकी बेसिकली आपको क्या अल्टीमेट कॉज कर रही है, रेडिकुलोपैथी। ठीक है, नर्व्स के साइन एंड सिम्टम्स। तो ये चीजें हैं जो आपकी ये पैथोलॉजीज जो है ना वो फिर आपकी स्पाइन के फंक्शन पे इस तरह से इफेक्ट होती हैं। जो इंस्टेबिलिटी है वो कॉज कर सकती हैं, स्टिनोसिस कॉज कर सकती हैं, और आपका रेडिकुलोपैथी कॉज कर सकती है, नर्व्स के साइन एंड सिम्टम्स आपको कॉज कर सकती हैं। तो बेसिकली ये हमारा ये आज का लेक्चर था, जिसमें कुछ जनरल चीज़ें थी रिविजन वाली, और कुछ हमारी नई चीज़ें थी जो कि स्पाइन की पैथोलॉजी से रिलेटेड, और उनके फिर साइन एंड सिम्टम्स क्या और क्यों किस तरह से, ये सारी चीज़ें आज हमने डिस्कस की। इसमें बेटा कोई चीज़ समझ में नहीं आई है तो पूछ लीजिए। अगर किसी ने पहले कोई क्वेश्चन पूछा हुआ था चैट बॉक्स में, तो वो डिसकनेक्शन की वजह से जो है ना वो इस टाइम मेरे पास सामने नहीं आ रहा, तो वो अभी दोबारा पूछना है तो दोबारा पूछ ले। रेडिकुलोपैथी बेटा नर्व्स के साइन एंड सिम्टम्स, जब नर्व के ऊपर कंप्रेशन आता है, ट्रू साइंस या फॉल्स साइंस वो आपके प्रोड्यूस हो सकते हैं, दैट इज रेडिकुलोपैथी। हर्निएशन के बारे में ही तो हम बात कर रहे थे बेटा, आज सारा लेक्चर ही हर्निएशन के ऊपर था। न्यूक्लियस अगर अपनी जगह छोड़ दे, न्यूक्लियस जो है वो अपनी इंटेग्रिटी जो है वो लूज कर दे, तो उसको हम हर्निएशन कहते हैं, जनरल टर्म है, इट्स जनरल टर्म। उसकी कुछ स्टेजेस हैं वो आप देख लीजिएगा इसके लेक्चर के अंदर। फॉल्स साइंस इंपॉर्टेंट होते हैं, ऐसा नहीं है कि इनमें से कोई भी चीज अनइम्पॉर्टेंट है, फॉल्स और ट्रू दोनों इम्पॉर्टेंट हैं, उनकी अपनी अपनी जो है वो इंटरप्रिटेशन हैं। बताने का मकसद ये था कि ट्रू जो है ना साइंस हम उनको कहते हैं जब डायरेक्ट आपका कंप्रेशन आ रहा है और उसकी वजह से या मोटर फंक्शन जा रहा है या सेंसरी सिस्टम जा रहा है। बाकी रिलेटेड है वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट है जितने ट्रू सिम्टम्स हैं, अनइम्पॉर्टेंट वाली कोई बात नहीं है, वो भी आपको डायग्नोसिस में उतने ही हेल्प करते हैं। मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से सर्वाइकल प्रॉब्लम हो रहा है, तो देखो मोबाइल ज़्यादा यूज़ करने से बेसिक जो मूवमेंट है वो कौन सी है जो ज़्यादा हो रही है, फ्लेक्शन है ना, फॉरवर्ड फ्लेक्शन, यही प्रॉब्लम कर रहा है। तो अगर आप फ्लेक्शन की ही एक्सरसाइजेस कराओगे तो आप तो उस चीज़ को और ज़्यादा एग्रीवेट कर रहे हो, हमने तो उसको कम करना है फ्लेक्शन को, इसलिए हम ऐसे पेशेंट्स को जो है ना वो फ्लेक्शन की तरफ नहीं लेके जाते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वो बहुत ज़्यादा कर रहा है, हमें उन मसल्स को स्ट्रेंथन अप करने की ज़रूरत है जो कि उसको होल्ड नहीं कर पा रहे सही से, दैट इज बेसिकली एक्सटेंशन के मसल्स। बिल्कुल बिल्कुल, डायग्नोसिस के लिए आप ट्रू साइंस और फॉल्स साइंस दोनों पूछते हैं, हर किसी की अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन। ठीक है, हम डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि फ्लेक्शन से पेन है कि एक्सटेंशन से पेन है? देखिए
एक आप न्यूट्रल से हट के एक मूवमेंट जो है वो ज्यादा कर रहे हैं, आप एक पोस्चर के अंदर ज्यादा लेके जा रहे हैं, आप फ्लेक्स्ड पोस्चर के अंदर पेशेंट को ज्यादा रख रहे हैं, ठीक है, मोबाइल यूज की वजह से आप ज्यादा फ्लेक्स्ड पोस्चर यूज कर रहे हैं, तो आपका जो इम्बैलेंस आ रहा है ना वो आपके फ्लेक्शन वाले मसल्स और एक्सटेंशन वाले मसल्स के दरम्यान में इम्बैलेंस आ गया, एक मसल ज्यादा यूज हो रहा है, दूसरा वाला अपनी लेंथ से ज्यादा बढ़ रहा है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेचिंग ज्यादा आ रही है, एक टाइटनेस की तरफ चला जाएगा, एक वीकनेस की तरफ चला जाएगा, तो बैलेंस तो खराब हो गया। तो आप अगर एक मसल ऑलरेडी टाइट है उसी को एक्सरसाइज करानी शुरू कर दोगे, उसकी स्ट्रेंथनिंग करानी शुरू कर दोगे तो क्या फायदा मिलेगा आपको, आपको तो उसकी जरूरत है ना जो वीक हो रहा है, उसको स्ट्रेंथन अप कराओ। अब स्ट्रेंथन अप कैसे कराओगे, जब आप एक्सटेंशन एक्सरसाइज खुद यूज करोगे, एक्सटेंशन की फुल रेंज के अंदर जब आप रेजिस्टिव ट्रेनिंग कराओगे तो आप उसको स्ट्रेंथन अप कर दोगे, फ्लेक्शन में तो ऑलरेडी वो है पोस्चर, पोस्चर देखेंगे ना हम, जो पेशेंट जो है वो कौन सी मूवमेंट ज्यादा कर रहा है, कौन सा मसल जो है वो उसको ज्यादा यूज कर रहा है, इम्बेलेंस कहाँ आ रहा है। अच्छा जी, हाँ जी, क्विज का आपने अच्छी बात है, मुझे रिमाइंड करा दिया है, पहले इस लेक्चर से रिलेटेड कोई और सवाल है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर मैं असेसमेंट प्लान की तरफ मूव करती हूँ। चलें, आई थिंक मूव करते हैं असेसमेंट प्लान की तरफ। बेटा ये आपका असेसमेंट प्लान है जो कि छुट्टियों से पहले मैंने आप लोगों के साथ जो है वो ईमेल के थ्रू और एलएमएस पे शेयर कर दिया था, इसको ज़रा एक दफ़ा देख लीजिए, ये आपका डेट वाइज जो है वो असेसमेंट प्लान है, इसमें आपके वीक्स और डेट्स जो हैं वो मेंशन है, असेसमेंट्स आपकी मेंशन है कि कौन सी असेसमेंट आपकी किस वीक के अंदर होनी है, हम इसी को फॉलो करेंगे, डेट्स आगे पीछे हो सकती हैं कोई मसला नहीं है, आपकी फिजिबिलिटी मेरी फिजिबिलिटी उसके अकॉर्डिंग हम इसको चेंज कर सकते हैं, बट वीक्स को हम चेंज नहीं करेंगे, कोशिश हम यही करेंगे। अब सबसे पहली जो आपकी असेसमेंट है दैट इज क्विज, ठीक है, ये हमारा जो है वो क्विज होना है, दैट वुड बी ऑन सेवेंथ वीक, सेवेंथ वीक, अभी जो हमारे पास ये सिक्स वीक स्टार्ट हो गया है, यहाँ पे हमारे पास 17th मई है आज और ये हमारा सिक्स वीक जो है ना वो शुरू हो गया है और 26th बन रही है, अगले वीक का वेंसडे बन रहा है, ठीक है, अगले वीक का वेंसडे बन रहा है 26th मई, और अभी हमारे पास दो लेक्चर्स और होंगे, आज हमने सिक्स लेक्चर पढ़ा था, सेवेंथ और एट्थ, आठ लेक्चर्स तक का सिलेबस आपके पास होगा और वो आपका क्विज होगा 26 मई को, सेवेंथ वीक बन रहा है, सिनेरियो बेस्ड होगा, ये चीज़ें ज़रा अच्छे से सुन लीजिए, सिनेरियो बेस्ड होगा, सिनेरियो का आपको पता है, छोटी सी स्टोरी आपको बताई जाएगी और एमसीक्यूज आपको होंगे, वो ऑप्शंस आपको दिए होंगे कि उसके रिलेटेड आपने ऑप्शन अपना टिक करना होगा कि ये इसका आंसर क्या बनेगा, ठीक है, एलएमएस के ऊपर होगा आपका ये इंशाल्लाह, और इसका जो टाइम है ना वो हम शाम के टाइम का रखेंगे ताकि आप अपनी लेक्चर्स वगैरह लेके आ जाओ और उस वक्त फिर आप शाम को आसानी से ऑनलाइन बैठ के उसको टेस्ट कर सको। मैम रिकॉर्डिंग्स कहाँ पे मिलेंगी? रिकॉर्डिंग्स बेटा आपकी एलएमएस पे अवेलेबल हैं, हर सेशन का रिकमेंडेड जो सोर्सेज का सेशन उसका लेबल है उसको खोलिए, उसके अंदर आपको हर लेक्चर का लिंक मिल जाएगा। अच्छा बाकी की जो असेसमेंट्स हैं उसमें ज़रा देख लीजिए, आपकी असाइनमेंट होनी है ये नेक्स्ट, उससे नेक्स्ट वीक में होगी यानी एट्थ वीक के अंदर, और उसमें हम कर लेंगे, वीडियो असाइनमेंट होगी, टॉपिक आपको बताऊंगी, आपने उसके ऊपर जो है वो छोटी सी 3-4 मिनट की वीडियो प्रेजेंट करनी होगी। मिड टर्म आपके एग्जाम्स होने हैं, उसी तरह से ऑनलाइन एग्जाम्स होंगे आपके एलएमएस के ऊपर, उसकी बाकायदा आपके पास डेट शीट आ जाएगी, वो 9th से 10th वीक के अंदर एक्सपेक्टेड है, उसमें कंडक्ट होंगे, उसके बाद फिर हमने वाइवा रखना, वाई उसी तरह से कंटिन्यू रहेंगे हमारे लेक्चर्स, और ये 13th वीक के अंदर हम जाके रखेंगे अपना वाइवा, जिसमें ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट हमारा जो है ना वो 80% तक सिलेबस हम कोशिश करेंगे तब तक कवर हो चुका हो, उसका हम लेंगे वाइवा फाइनल से पहले पहले, ताकि हम आराम से अपना वाइवा दे के ख़त्म हो चुके हों,
हमारी असेसमेंट्स पूरी हो चुकी हों, हमें पता हो कि हमने कितना जो है वो स्कोर कर लिया है और हमें फाइनल में कितनी मेहनत करने की ज़रूरत है। ठीक है, फाइनल आपके जो है ना वो फिर 18th 19th वीक जो है ना इसमें एक्सपेक्टेड है, और वो खैर आपकी डेट शीट आ जाएगी, वो सारी की सारी बातें हो जाएगी। जो दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल जो होने हैं ना वो राइट नाउ अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि सिचुएशन जो कोविड की है आपको पता है, लॉकडाउन ये वो सारा कुछ, लेकिन जो एक स्केड्यूल बना है उसके अकॉर्डिंग हम इसको करेंगे 16th वीक के अंदर। तब तक सिचुएशन जो है वो काफ़ी हद तक हमें समझ आ चुकी होगी, होपफुली होपफुली लॉकडाउन जो है वो तब तक ख़त्म हो जाए या जैसे भी हमें अलाउ हो, तो हम इसको 16th वीक के अंदर कर लेंगे। दो प्रैक्टिकल वर्क है, दो हैं आपके प्रैक्टिकल हैं, एक आपका न्यूरल मोबिलिटी से रिलेटेड है और दूसरा आपके स्पाइन की मोबिलाइजेशन आपको सिखानी है। ये दो चीज़ें हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। एक हफ्ते के अंदर हमारे पास दो लेक्चर्स होते हैं ना, हम डिवाइड कर लेंगे किसी तरह से। एक ही दफ़ा हो सकता है आपको आना पड़े अगर लॉकडाउन हुआ भी, तो बहरहाल उसको हम देख लेंगे, कोई अच्छा सा स्केड्यूल बना लेंगे, कोशिश करेंगे कि 16th वीक के अंदर जो है ना इसको ख़त्म कर दें। और उससे पहले हम कोशिश करेंगे कि हमारा सिलेबस भी ख़त्म हो चुका हुआ हो, अगर ना हुआ हुआ हो तो भी हम कोशिश करेंगे कि ये जो आपका फाइनल एग्जाम्स है ना इससे एटलीस्ट एक हफ्ता पहले आपको फ्री कर दिया जाए। एटलीस्ट मेरी तरफ से आप लोग फ्री हो जाओगे, कोशिश मेरी यही होगी कि आपका सिलेबस जो है ना वो मैं टाइमली ख़त्म करा दूँ। ठीक है जी, इस जो असेसमेंट प्लान है आपका, इसकी वेटेज क्या होगी? अच्छा वेटेज, हम वो भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा आपने याद करा दिया, हम डिस्कस कर लेते हैं। ये बेटा आपके असेसमेंट्स की वेटेजेस हैं। अच्छा ये दोनों डॉक्यूमेंट्स बेटा आपको मैंने ईमेल पे भी सेंड किए थे और मैंने आपको LMS पे भी सेंड कर दिए थे, इसको काइंडली एक दफ़ा खोल के देख लीजिएगा। ठीक है, आपकी जो क्लास पार्टिसिपेशन है बेटा वो 5% है, और वो एट द एंड मैं लगाऊंगी आपकी सारी ओवरऑल सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को देखते हुए। उसमें आपकी अटेंडेंस भी आ जाएगी, उसमें आपकी इन्वॉल्वमेंट भी है, उसमें आपकी परफॉर्मेंसेस भी है जो कि आपकी डिफरेंट असेसमेंट्स के अंदर होगी। तो वो 5% है वो मेरे पास है, वो एट द एंड देखेंगे। असाइनमेंट मोस्ट प्रोबेबली आपकी वीडियो ही होगी, वो आपकी 5% होगी। सिनेरियो बेस्ड क्विज जिसकी आप बात कर रहे थे जो अभी अगले वीक में होगा, दैट वुड बी ऑन 10%। ठीक है, मिड टर्म आपका 20% है, वाइवा आपका 20% है, और फाइनल एग्जाम आपका 40% का है। ये आपकी जो है वो टोटल वेटेज है, इसके अकॉर्डिंग आपने अपने आप को लेके चलना है। मैम आप जो वाइवा हमसे लेंगे वो 20% वेटेज का है, तो उसमें सारा सिलेबस आएगा जो हम तब तक हमने पढ़ा होगा? हाँ जी, कोशिश यही करेंगे ताकि वो इस वजह से रखेंगे ताकि फाइनल के लिए जो है ना वो आपकी तैयारी अच्छी हो जाए। थोड़ा सा रह जाएगा आपका चीज़ जो कि सिर्फ आपको फाइनल में पढ़नी पड़ेगी, बाकी आप वाइवा तक दे के आप उसको पढ़ चुके हुए हो। या हम देख लेंगे, अगर आप जो क्विज दे चुके हो उसका सिलेबस निकालना होगा तो वो निकाल लेंगे, बाकी का कर लेंगे। वो अभी बड़ी दूर की बात है, 13th वीक पे जाके हम डिसाइड करेंगे। जैसे आप लोग कहोगे वैसे कर लें, परेशान नहीं होना। आप लोगों की तैयारी करानी है, बर्डन नहीं डालना आप लोगों पे, आप लोगों को तैयारी करानी है ताकि आपका एग्जाम अच्छा हो। तो जितना आसानी से आप कर सकोगे हम उतना रखेंगे। थैंक यू मैम। चलें ठीक है बेटा जी, इसके अलावा कोई और सवाल? अच्छा कितने MCQs होंगे इसका मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि मैंने अभी क्विज बनाया नहीं है। कितना टाइम अलाउड होगा ये भी मुझे नहीं पता। जब मैं क्विज बना लूंगी तो मैं इंटीमेट आपको कर दूंगी कि जी इतने सवाल होंगे और उसके लिए इतना आपके पास टाइम होगा। टाइम आपको मिल जाएगा, अच्छा टाइम मिल जाएगा सोचने के लिए, इंशाल्लाह वो उसमें मसला नहीं होगा। ठीक है जी, और कोई सवाल? हाँ जी, MCQs होंगे बेटा, MCQs होंगे। नहीं ठीक हो गया जी, फिर आप इसको जो है वो साथ के साथ आप पढ़ना शुरू कर दें। अब आपके पास एक पूरा टाइमलाइन है पूरे सेमेस्टर का है, अब उसके अकॉर्डिंग आपने जो है ना वो पढ़ना खुद है। ये ना हो, ये ना कहें कल को कि जी अचानक एक असेसमेंट आ गई तो हमें टाइम नहीं मिला, अब इसको आपने खुद से मैनेज कर। ठीक है, चलें अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, और इसको जो कोई प्रॉब्लम हो अगर लेक्चर में तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उसको डिस्कस कर लेंगे। अल्लाह हाफिज़ बेटा, अपना ख्याल रखिएगा।